काफी दिनों पहले बाबा ने गुल्ली बुलियों से उनसे बताया था कि वो इस शहर से बाहर जंगलों में किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन काफी दिन हो चुका है, बाबा तो अभी तक घर ही नहीं आए हैं। गुल्ली बुलियों से उनको ऐसा लग रहा है कि बाबा को काफी बड़ा काम है, इसलिए गुल्ली बुलियों से बाबा की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और इसी बहाने गुल्ली बुलियों से ये भी देख लेंगे कि बाबा का कौन सा दोस्त जंगल में रहता है और आखिर वो कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ है जिसके लिए बाबा उसकी हेल्प करने के लिए वहां गए हैं। लेकिन वहां जाने के लिए गुल्ली बुलियों से उनको ट्रेन का सफर करना होगा और इसलिए गुल्ली बुलियों से न्यू स्टेशन में आए हैं। थोड़ी देर में इस जगह पर ट्रेन आएगी और ट्रेन आने के बाद गुल्ली बुलियों से उस ट्रेन में बैठ जाएंगे और फिर ये लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर बाबा गए हैं। थोड़ी देर में ये लोग स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग ऑटो वाले को पैसे दे देते हैं और सोन ऑटो वाले से कहता है कि अब तुम जा सकते हो, हम लोग चले जाएंगे। इतना कहने के बाद गुल्ली बुलियों स्टेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। गुल्ली बुलियों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ये लोग काफी दिनों के बाद न्यू स्टेशन आए हैं। थोड़ी देर में ये लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी होता है और वो गुल्ली बुलियों से कहता है कि तुम लोगों के पास टिकट है या नहीं, तुम लोग ऐसे ही क्यों जा रहे हो। गुल्ली कहता है कि हम लोगों ने टिकट तो ऑनलाइन करवा लिया है, आप अपने टिकट लिस्ट में चेक कर सकते हैं, हम लोगों का नाम गुल्ली बुली और सोन है। जैसे ही ये नाम टिकट कलेक्टर सुनता है तो वो कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, मैंने ये नाम लिस्ट में देखा था। ये सुनते ही गुल्ली बुली और सोन स्टेशन के अंदर जाने लग जाते हैं। हमेशा की तरह सोन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था ट्रेन को देखने के लिए, लेकिन गुल्ली बुली और सोन ये भी सोचने में लगे हुए थे कि पता नहीं ट्रेन कब आएगा क्योंकि लगभग 10 तो बज ही चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। स्टेशन के अंदर आने के बाद गुल्ली बुली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुली और सोन ये भी देखते हैं कि दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ पास में ही दो लोग बैठे हुए जो कि आपस में बात करने में लगे हुए हैं। दरअसल अभी ठंड का मौसम चल रहा है इसलिए ट्रेन में अभी ज्यादा लोग सफर नहीं करते हैं, लेकिन गुल्ली बुली और सोन ये बात से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं होगी तो ये लोग मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। दरअसल गुल्ली बुली और सोन जिस जंगल में जा रहे हैं उस जंगल के बारे में गुल्ली बुली को कुछ नहीं पता है कि आखिर वो कितना खतरनाक जंगल है, लेकिन जो भी हो ये लोग तो बाबा से मिलने के लिए वहां जा रहे हैं। तभी गुल्ली बुली और सोन को वो पुरानी बात याद आ जाती है जब गुल्ली बुली और सोन हॉरर ट्रेन में बैठ गए थे। उस दिन तो गुल्ली बुली और सोन की जान काफी मुश्किल से बची थी, लेकिन जो भी हो गुल्ली बुली तो बच गए थे। गुल्ली बुली और सोन ये सोचने में लगे हुए थे कि ऐसा ही कुछ यहाँ तो नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं लगता क्योंकि ये तो न्यू स्टेशन है और न्यू स्टेशन में सारे ट्रेन भी नए होंगे। लेकिन गुल्ली बुली और सोन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक ट्रेन आई क्यों नहीं। लेकिन तभी सोन कहता है कि अरे गुल्ली बुली ट्रेन अभी तक आई नहीं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रेन चली गई है, मुझे किसी से पूछना होगा, क्या कहते हो मैं पूछूं या नहीं। गुल्ली कहता है देखो सोन किसी ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है, और फिर ये लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं जिस तरह से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन की आवाज जैसे ही सोन सुनता है तो सोन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सोन काफी ज्यादा एक्साइटेड है ट्रेन को देखने के लिए। थोड़ी देर में ये ट्रेन स्टेशन में रुके बिना ही यहाँ से चली जाती है। सोन को ये समझ में नहीं आता है और सोन गुल्ली बुली से कहता है अरे गुल्ली बुली ये ट्रेन तो यहाँ रुकी ही नहीं, तो हम लोग अब कैसे जाएंगे। लेकिन जैसे ये बात गुल्ली सुनता है तो गुल्ली कहता है अरे सोन तुम भोंदू हो क्या, बिल्कुल तुम्हें नहीं पता कि ये गाड़ी तो कोयले वाली गाड़ी है और इसमें सिर्फ कोयला ही जाता है और तुम इस गाड़ी में जाना चाहते हो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो लेकिन हम लोग तो नहीं आएंगे। थोड़ी देर में वो ट्रेन भी आ जाएगी जिससे हम लोगों को बाबा के पास जाना है, अगर तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है तो तुम अभी इस ट्रेन से जा सकते हो, लेकिन ये ट्रेन तो चला गया है, अब तुम वो भी नहीं कर सकते, अब तुम एक ही काम कर सकते हो, चुपचाप हमारे साथ खड़े रहो और ट्रेन के आने का इंतजार करो, अब थोड़ी देर में ट्रेन आती ही होगी। गुल्ली बुली और सोन बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इन तीनों को किसी की आवाज सुनाई देने लग जाती है और जब ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पास में ही जो दो लोग बैठे हुए थे वो दोनों तो हंसने में लगे हुए हैं। सोन को ऐसा लगता है कि ये दोनों सोन पे ही हंस रहे हैं और तभी सोन काफी गुस्से में कहता है चुप करो, तुम लोग हंसने में क्यों लगे हुए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि दूसरों के बातों पे नहीं हंसना चाहिए और दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारा भी कभी कोई मजाक उड़ाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हम लोग तुम लोगों की बातों पे नहीं हंस रहे थे और वैसे भी हम लोग तो तुम लोगों की बातें सुन भी नहीं रहे थे। इस आदमी की ये बात सुनने के बाद सोन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, इतना कहने के बाद सोन पीछे घूम जाता है। बुल्ली कहता है अरे छोड़ो ना सोन ये सब मजाक को, और तभी अचानक से गुल्ली बुली और सोन को ट्रेन की आवाज सुनाई देने लग जाती है और सोन ये आवाज सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सोन को पता चल चुका है कि वही वाली ट्रेन आने वाली है जिससे गुल्ली बुली और सोन बाबा के पास जाएंगे। थोड़ी देर में वो ट्रेन स्टेशन पे आकर रुक जाती है। ट्रेन को देखकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है चलो ट्रेन तो आई गई है, अब हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। इतना कहने के बाद ये तीनों यहाँ से जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद ये लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि आखिर ये ट्रेन कब चालू होगा, और तभी अचानक से ये ट्रेन चालू हो जाता है। ट्रेन के चालू होने के बाद गुल्ली बुली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से अरे ये क्या ट्रेन वापस से रुक गई। गुल्ली बुली और सोन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ट्रेन यहाँ रुकी क्यों, और ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन फिर से चालू हो जाती है और यहाँ से जाने लग जाती है। शायद ट्रेन के ड्राइवर को कुछ काम होगा इसलिए उसने ट्रेन को रोक दिया था।
इधर गुल्ली बुली और सुन ट्रेन में बैठने के बाद काफी ज्यादा खुश थे और गुल्ली बुली और सुन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ट्रेन में एक भी आदमी नहीं बैठा हुआ है, पूरा सन्नाटा ही छाया हुआ है। लेकिन जो भी हो, गुल्ली बुली और सुन को इससे कोई मतलब नहीं है, बस इन लोगों को बाबा के पास पहुंचना है। बुल्ली कहता है, अरे सुन क्या तुम्हें पता है कि अगर ये ट्रेन यहीं पे खराब हो जाएगी तो हम लोगों को काफी सारे जंगली जानवर खा जाएंगे, क्योंकि इस जगह पे काफी सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। सुन कहता है, अरे बुल्ली तुम मुझे डराना चाहते हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि ये ट्रेन यहाँ पर खराब होगी ही नहीं, और दूसरी बात तो ये है कि अभी रात का समय हो रहा है और सारे जानवर खाना पीना खाकर अभी सोने में लगे हुए होंगे, अभी थोड़ी ना कोई इधर घूम रहा होगा। देखो तुम्हें बाहर एक भी जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुन की बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली भी बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को भी एक भी जानवर नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी अरे ये क्या, ट्रेन तो अचानक से रुक गया, आखिर ट्रेन यहाँ रुका क्यों है? बुल्ली कहता है, मुझे लगता है कि ड्राइवर को फिर से कोई जरूरी काम होगा, इसलिए ड्राइवर ने ट्रेन को यहीं पर रोक दिया है। लेकिन आखिर कौन सा काम होगा ड्राइवर को, वो भी इस जगह पे? इस जगह पे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बुल्ली कहता है, क्या पता क्या काम है, बस हम लोगों को क्या करना है, हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में शायद ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज थी? इस आवाज को सुनने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली कहता है, अरे मुझे लग रहा है कि ये तो किसी हाथी की आवाज है, ऐसा लग रहा है कि कोई हाथी हमारे ट्रेन की तरफ ही बढ़ रही है। सोन कहता है कि मुझे लगता है कि ट्रेन के आगे हाथी आ गया होगा और ट्रेन ने हाथी को ठोक दिया है और हाथी को चोट भी आ चुका होगा, इसलिए हाथी चीखने में लगा हुआ है, हम लोगों को बाहर जाकर देखना चाहिए। क्या कहते हो गुल्ली और बुल्ली? तभी गुल्ली कहता है, हां हां सोन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बाहर क्या हुआ होगा, ड्राइवर यही देखने के लिए बाहर आता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो काफी सारे जंगली जानवर पटरी के आगे आ चुके हैं। ट्रेन के ड्राइवर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सारे जानवर ट्रेन के आगे क्यों आए हैं, और गुल्ली बुल्ली और सुन को तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के आगे सिर्फ हाथी ही आया है। लेकिन क्या होगा जब गुल्ली बुल्ली और सुन को पता चलेगा कि ट्रेन के आगे इतने सारे जंगली जानवर आ चुके हैं? हाथी को देखने के लिए गुल्ली बुल्ली और सुन ट्रेन से बाहर जाने लगे, लेकिन कहीं गुल्ली बुल्ली और सुन किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, क्योंकि बाहर काफी खतरनाक जानवर है। पता नहीं बाहर क्या होने वाला है, ये तो गुल्ली बुल्ली और सुन के बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सुन दरवाजे के पास आ जाते हैं। सबसे पहले सुन ट्रेन से नीचे उतर जाता है। सुन जब ट्रेन से नीचे उतर जाता है तो सोन के बाद गुल्ली उतर जाता है, और फिर गुल्ली के पीछे पीछे बुल्ली भी ट्रेन से नीचे उतर जाता है। थोड़ी देर में ये तीनों लोग नीचे उतर जाते हैं और फिर ये लोग इंजन के पास जाने का फैसला करते हैं। सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली आगे चलते हैं। इतना कहने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के इंजन की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन जब इन लोगों की नजर जानवरों पे पड़ती है तो ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर इतने सारे जानवर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर ये सारे जानवर इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, और ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए दो जानवर तो और भी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लग रहा है कि ये सारे जानवर मिलकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इन सारे जानवर को आखिर क्या चाहिए। तभी ड्राइवर कहता है कि देखो ना तुम लोग, ये सारे जानवर ट्रेन के आगे आ चुके हैं और ये लोग यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए, तुम ही लोग कुछ करो, ये सारे जानवर को यहाँ से हटाओ, वरना पता नहीं क्या होगा, ट्रेन तो आगे ही नहीं जा पाएगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्राइवर की ये बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली को ऐसा लगता है कि गुल्ली बुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा। गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने में लगे हुए थे कि तभी ऊपर से एक गोरिल्ला नीचे आ जाता है। गुल्ली बुल्ली और सुन को ऐसा लगता है कि अब ये गोरिल्ला गुल्ली बुल्ली और सुन को मारने वाला है। तभी ये गोरिल्ला गुल्ली बुल्ली और सुन से कुछ कहने लग जाता है। ये गोरिल्ला कहता है कि तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा, तभी तुम लोग आगे जा सकते हो, वरना तुम लोग आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये सब बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली और सुन को काफी गुस्सा आ जाता है। सुन कहता है, ये तो बिल्कुल गलत तरीका है किसी से काम करवाने का, तुम तो बिल्कुल दादागिरी कर रहे हो। लेकिन सुन की ये बात सुनने के बाद वो गोरिल्ला कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो दादागिरी ही कर रहा हूं और तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा, तभी तुम लोग आगे जा सकते हो, वरना तुम लोग आगे नहीं जा सकते। तभी बुल्ली कहता है कि तुम लोग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, किसी से ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम डायरेक्ट भी कह सकते हो, सोन उस काम को कर देगा। तुम इन सारे जानवर को दिखाकर क्या सोच रहे हो कि हम लोग डर जाएंगे, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं है। जरा तुम ही सोचो कि अगर ये ड्राइवर ट्रेन को नहीं रुकता तो तुम सारे जानवरों का क्या होता, तुम लोग तो ट्रेन के नीचे आ जाते और तुम लोगों का एक्सीडेंट हो जाता और फिर तुम लोगों की जान चली जाती और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बुल्ली कहता है, अगर तुम लोगों को कोई जरूरी काम है तो तुम हम लोगों को बता सकते हो, आखिर तुम लोगों को ऐसा क्या काम है, हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी गोरिल्ला इन लोगों से बताता है कि दरअसल काम यह है कि हमारे बाबा एक पिंजरे में फंसे हुए हैं, जल्दी चलो हमारे साथ और वो पिंजरे को खोल दो, क्योंकि मुझसे वो पिंजरा नहीं खुल रहा है। दरअसल हमारे बाबा को किसी ने किडनैप कर लिया है, और जिसने भी किडनैप किया है वो पता नहीं कहाँ भाग चुका है, मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। हमारे बाबा तो हम लोगों की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन बाबा खुद फंस चुके हैं, अब हम लोगों को ही बाबा को छुड़ाना होगा। बुल्ली कहता है, तो फिर तुम्हारे बाबा आखिर है कहाँ? तभी गुल्ली कहता है, हाँ जल्दी से हम लोगों को बाबा के पास लेकर चलो, हम लोग बाबा को जरूर बचाएंगे, बाबा को कुछ नहीं होगा। गुल्ली की बात सुनने के बाद सोन कहता है कि तुम लोगों के भी बाबा होते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, चलो हम लोगों को
जल्दी से वहाँ लेकर। मैं वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हारे पापा को जरूर पिंजरे से बाहर निकालेंगे। तभी गोरिल्ला कहता है, हाँ हाँ चलो जंगलों के साइड चलो, बस तुम लोगों को करना यह है कि तुम लोगों को धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आते जाना है। बातें करते करते ये लोग उस तरफ जाने लग जाते हैं जिस तरफ सारे जानवरों के बाबा कैद हैं। गुल्ली बुल्ली और सुन उधर जा तो रहे थे, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है और आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। पता नहीं ये गोरिल्ला इन लोगों को कहाँ लेकर जाएगा, कहीं ये लोग कोई मुसीबत में तो नहीं फंसने वाले। यही सब सोचकर गुल्ली बुल्ली और सुन को काफी ज्यादा टेंशन हो रहा था। गुल्ली बुल्ली और सुन को तो अपने पापा से मिलने के लिए ट्रेन से और आगे जाकर स्टेशन में उतरना था, लेकिन ये लोग तो वहाँ जा ही नहीं पाए क्योंकि इन लोगों को पहले ही उतार लिया गया। अरे ये क्या, थोड़ी देर में ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर गोरिल्ला इन लोगों को लाना चाहता था। यहाँ पर तो कोई पिंजरे में बंद पड़ा हुआ है। गुल्ली बुल्ली से देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली को जल्दी इसे छुड़ाना होगा इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए जिसने इसे बंद किया है। यही बात गोरिल्ला गुल्ली बुल्ली और सुन से कहता है कि जल्दी से इस पिंजरे को खोल दो, अगर तुम लोगों से ये पिंजरा खुल पाएगा तो क्या तुम लोग इस पिंजरे को खोल पाओगे। लेकिन गोरिल्ला की ये बात सुनने के बाद बाबा उठने लग जाते हैं। अरे ये क्या, पिंजरे के अंदर जो बाबा है वो तो काफी जाने पहचाने लग रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो अपने बाबा है, ये जानवरों के बाबा कब से बन गए। गुल्ली बुल्ली बाबा को देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो गुल्ली बुल्ली के बाबा है। सोन कहता है, अरे ये तुम्हारे बाबा नहीं, ये तो हमारे बाबा है, ये बाबा तुम्हारे कब से हो गए। ये बात सुनते ही गोरिल्ला कहता है कि देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बाबा को छुड़ाने के लिए लाया था, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे बाबा है, तुम हमारे बाबा को हड़पना चाहते हो। बाबा तो हमारी मदद करने के लिए शहर से यहाँ पर आए हैं, अगर तुम लोग से ये पिंजरा खुल पाएगा तो चुपचाप इस पिंजरे को खोल दो और फिर तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सारे जानवरों को पता चलेगा कि तुम बाबा को हड़पना चाहते हो तो वो लोग भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुनते ही बाबा गोरिल्ले से कहते हैं कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं है कि आखिर ये तीनों लोग कौन है। और हाँ, मैं ज्यादा टाइम तुम लोगों के साथ नहीं बिताता हूँ, मैं ज्यादा टाइम गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ ही बिताता हूँ और ये लोग गुल्ली बुल्ली सोन ही है। लेकिन मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ पहुंचे कैसे और आखिर गुल्ली बुल्ली सोन को पता कैसे चला कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। इतना कहने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन से पूछते हैं कि आखिर गुल्ली बुल्ली और सोन तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा हम लोगों को तो सचमुच में कुछ नहीं पता था कि आप मुसीबत में फंसे हुए हैं। बुल्ली कहता है, हम लोग तो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे कि आप आखिर क्या काम कर रहे हैं वो भी जंगल में, और हम लोग आगे के स्टेशन में उतरने वाले थे लेकिन अचानक से ट्रेन के आगे काफी सारे जानवर आ गए और फिर ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, और फिर जब हम लोग ट्रेन से बाहर आए तो हमें पता चला कि बाहर तो सचमुच में काफी सारे जानवर है जो आपको बचाने के लिए ट्रेन के आगे आकर खड़े हो गए थे। बुल्ली की ये बात सुनने के बाद बाबा कहते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली और सोन, मैं तो इन लोगों की मदद करने के लिए जंगल में आया था लेकिन मैं इन लोगों की मदद नहीं कर पाया क्योंकि जंगल में दो मॉन्स्टर है जिसने मुझे बेहोश कर दिया था और इस पिंजरे में लाकर बंद कर दिया है। बाबा की ये बात सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे बाबा वो सब छोड़िए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग आपको कैसे छुड़ाए। लेकिन गुल्ली की ये बात सुनने के बाद गोरिल्ला कहता है, क्या तुम लोगों से ये पिंजरा नहीं खुलेगा, मुझे तो लगा था कि तुम लोग इस पिंजरे को खोल दोगे, लेकिन जो भी हो ये पिंजरा काफी ज्यादा मजबूत है, पता नहीं कैसे खुलेगा। गोरिल्ले की ये बात सुनने के बाद सोन कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये लोग कैसे खुलेगा, मैंने अपने घर में काफी सारे अलमारी को ऐसे ही खोला था वो भी बिना चाबी के, रुको मैं इसे भी ऐसे ही खोल के दिखाता हूँ, शायद ये भी पिंजरा खुल जाएगा और बाबा को हम लोग बचा पाएंगे, तुम टेंशन मत लो। थोड़ी देर में सोन पिंजरे के पास पहुँच जाता है और सोन कहता है कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस पिंजरे को जरूर खोल दूंगा। और फिर सोन उस पिंजरे को खोलने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर में सोन से वो पिंजरा खुल जाता है और सोन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सोन उस पिंजरे के गेट को खोल देता है और बाबा बाहर आने लग जाते हैं। पिंजरे से बाहर आने के बाद बाबा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बाबा काफी देर से पिंजरे में ही बंद थे। बाबा जैसे ही बाहर आते हैं तो गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए बाबा के पास आते हैं और वहाँ आने के बाद गुल्ली कहता है, अरे बाबा आप उस मॉन्स्टर के बारे में मुझे बताइए कि आखिर वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा है, मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी गोरिल्ला कहता है कि जल्दी से सारे लोग पीछे देखो। गोरिल्ले की ये बात सुनने के बाद सारे लोग पीछे घूमकर देखने लग जाते हैं और पीछे देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, पीछे तो काफी भयानक दानव आ रहा है और वो दानव एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस बाबा को पिंजरे से बाहर निकालने की, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ और अब मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस बाबा को पिंजरे से बाहर निकाल कर, अब पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या होगा, अब तुम लोग मरने से पहले ये बताओ कि तुम लोगों की आखिरी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तभी गुल्ली कहता है, लेकिन तुम्हें बाबा के बारे में भी नहीं पता है कि आखिर बाबा कैसे आदमी है, बाबा ने काफी सारे मॉन्स्टर को मारा है। ये बात सुनते ही दानव कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ, एक बार तुम लोग पीछे पलट कर देखो, पीछे देखने के बाद तुम लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। इस दानव की ये बात सुनने के बाद बाबा और गुल्ली जैसे पीछे पलट कर देखते हैं तो अरे ये क्या, गुल्ली और सोन को किसी दानव ने पकड़ रखा है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से, पता नहीं गुल्ली और सोन अब कैसे बचेंगे क्योंकि ये दानव काफी खतरनाक है। गुल्ली और सोन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग तो दानव के चंगुल में काफी खतरनाक तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन जो भी, बाबा को इन दोनों दानवों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बाबा ने सोच लिया था कि बाबा को क्या करना है। बाबा कहते हैं, चुपचाप इन दोनों को नीचे उतार दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हाँ अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बाबा की ये बात सुनने के बाद गुल्ली कहता है, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुपचाप इन दोनों को नीचे उतार दो, अगर इन दोनों को जरा सा भी चोट लग गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, बाबा तो तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं और बाबा तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, क्योंकि बाबा अगर गुस्से में आ जाते हैं तो फिर बाबा से कोई नहीं बच पाता है, और तुम लोगों ने तो बाबा को पिंजरे में भी बंद कर दिया था, बाबा को पिंजरे में बंद कर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया था और मैं भी तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो पता नहीं तुम लोगों का मैं क्या करूंगा। बाबा और बुल्ली की ये बात सुनने के बाद पहले वाला दानव दूसरे दानव से कहता है कि चुपचाप उन दोनों को मार दो और फिर देखते कि बाबा हम लोगों का क्या बिगाड़ पाते हैं। लेकिन इस दानव की ये बात सुनने के बाद बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा पीछे घूमकर इसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं। अरे
अरे ये क्या, बाबा ने तो इसे फ्लाइंग किक मार दिया है और ये सीधा जमीन में जाकर गिरता है। और फिर तभी बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है क्योंकि बाबा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। लेकिन बाबा को गुस्से में देखकर ये दानव भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर बाबा अपनी शक्ति दिखाने लग जाते हैं। दानव को तो बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर तभी बाबा ने तो दानव को सुपर किक दे दिया है, लेकिन सुपर किक पड़ते ही दूसरा वाला दानव वहाँ से चुपचाप निकल लेता है क्योंकि इसे समझ में आ चुका है कि बाबा कितने खतरनाक आदमी है और ये बाबा से नहीं लड़ पाएगा और बाबा इसे भी पटक पटक कर मारेंगे। लेकिन इसने गुल्ली और सोन को तो छोड़ दिया है, पता नहीं गुल्ली और सोन का क्या हुआ होगा। अरे ये क्या, गुल्ली और सोन नीचे गिरने के बाद बेहोश हो चुके हैं। लेकिन जो भी हो, बाबा ने तो एक दानव का काम तमाम कर दिया है और दूसरा दानव यहाँ से भाग चुका है। तभी गुल्ली कहता है कि बाबा ये सोन और गुल्ली को क्या हो गया, ये लोग तो बेहोश हो चुके हैं, अब इन लोगों को कैसे उठाएंगे हम लोग। तभी गोरिल्ला कहता है कि मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है, मैंने काफी सारे बेहोश जानवरों को ठीक किया है, मैं अभी जंगलों से कुछ लेकर आता हूँ और फिर ये लोग तुरंत ही उठ जाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। और इतना बोलने के बाद ये यहाँ से दौड़ लगा देता है और जंगलों की तरफ जाने लग जाता है। पता नहीं ये क्या लेकर आएगा, लेकिन वो जो भी लेकर आएगा बस जल्दी से गुल्ली और सोन उठ जाए। तभी बाबा कहते हैं कि अरे बुल्ली तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ये दोनों उठ जाएंगे और उठकर खड़े हो जाएंगे और फिर हम लोग घर चले जाएंगे, बस वो गोरिल्ला आता ही होगा। बाबा इतना ही कहते हैं कि तभी गोरिल्ला वहाँ पर आ जाता है। थोड़ी देर में गोरिल्ला गुल्ली के पास बैठ जाता है और फिर गुल्ली को फूल सुंघाने लग जाता है और फिर तुरंत ही गुल्ली को होश आ जाता है और गुल्ली कहता है अरे तुम मुझे क्या खिला रहे हो, मुझे भूख नहीं लगा है। और फिर थोड़ी देर में ये गोरिल्ला सोन को फूल सुंघाने लग जाता है। सोन उठते ही कहता है कि अरे तुम मेरे नाक में क्या घुसा रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और बाबा हंसने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को लेकर आगे के स्टेशन में चले जाएंगे और फिर जब वहाँ पर ट्रेन आ जाएगी तो गुल्ली बुल्ली उस ट्रेन में बैठकर अपने घर चले जाएंगे। अब तो बाबा का काम भी पूरा हो चुका है और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दें।